हेलो दोस्तों, हमने अपने प्रीवियस रिवीजन सेशन में बात की थी तारों की। हमने बात की थी तारों का जन्म कैसे हुआ, तारे किन्हें कहते हैं, तारों का तापमान इतना अधिक क्यों होता है, तारों में स्वयं का ऊष्मा एवं प्रकाश क्यों होता है। हमने ये सारी बातें की थी और साथ ही साथ हमने बात की थी जो मेजरिंग यूनिट थी प्रकाश वर्ष और खगोलीय इकाई की हमने बात की थी। चलिए अब हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स की बात कर लेते हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है लैग्रांजी बिंदु। लैग्रांजी बिंदु क्या है? अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि आदित्य L1 जो सूर्य की ओर प्रेषित किया गया एक अंतरिक्ष यान है जो सूर्य का अध्ययन करेगा, सूर्य के कोरोना का अध्ययन करेगा, तो उसकी बात करेंगे कि वह कहाँ भेजा गया। आदित्य L1 पर भेजा गया है, तो उसकी हम बात करेंगे। L1 क्या होता है? आदित्य उस प्रेक्षण यान का यानी अंतरिक्ष यान का नाम है जो सन की कोरोना का अध्ययन करने के लिए भेजा गया। तो बात करते हैं लैग्रांजी बिंदु क्या होता है। ठीक, बात करते हैं लैग्रांजी बिंदु। इसको इंग्लिश में हम लैग्रांजियन पॉइंट कहते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लैग्रांजी बिंदु क्या होता है। लैग्रांजी बिंदु स्पेस में या अंतरिक्ष में या हम कहें पृथ्वी तथा सूर्य के बीच एक ऐसा स्थान होता है जहां पर किसी अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित किया जाता है। यह क्या होता है? पृथ्वी तथा सूर्य के बीच स्थित एक ऐसा स्थान है जहाँ पर किसी प्रक्षेपण यान को प्रक्षेपित किया जाता है। ठीक, तो इसको लिखते हैं हम पहला पॉइंट। लैग्रांजी बिंदु क्या है? पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य स्थित एक ऐसा स्थान जहां पर किसी प्रक्षेपण यान को प्रक्षेपित किया जाता है। ठीक, तो हमने समझ लिया लैग्रांजी बिंदु किसे कहते हैं। लैग्रांजी बिंदु वह बिंदु है जहां किसी प्रक्षेपण यान को प्रक्षेपित किया जाता है। दूसरा पॉइंट यह है कि इस बिंदु पर जो ग्रेविटेशन फोर्स है अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल है वह क्या है? संतुलित रहता है। अर्थात पृथ्वी और सूर्य के बीच एक ऐसा बिंदु जहां पर ग्रेविटेशन फोर्स अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल क्या रहता है? संतुलित रहता है। उसे हम क्या कहते हैं? लैग्रांजी बिंदु कहते हैं। ठीक, तो लिखते हैं इस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या रहता है? संतुलित रहता है। अर्थात यदि हम इस बिंदु पर किसी प्रक्षेपण यान को प्रक्षेपित करें तो वह ना तो उसे पृथ्वी का ग्रेविटेशन फोर्स खींचेगा और ना ही उसे सन का ग्रेविटेशन फोर्स खींच पाएगा, क्योंकि इस बिंदु पर ग्रेविटेशन फोर्स का संतुलन होता है। इसलिए ना तो पृथ्वी का ग्रेविटेशन फोर्स उसको खींच पाएगा अपनी ओर और ना ही सूर्य का ग्रेविटेशन फोर्स प्रक्षेपण यान को अपनी ओर खींच पाएगा। ठीक, तो हम जब भी सूर्य का अध्ययन करने के लिए या सूर्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जब कोई मिशन लॉन्च करते हैं तो जो भी प्रक्षेपण यान वहाँ भेजा जाता है वह इन्हीं बिंदुओं पर भेजा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? लैग्रांजी बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट में हम बात करेंगे कि जो लैग्रांजी बिंदु की संख्या है वह स्पेस में या ब्रह्मांड में कितनी है। तो हम बात करें कि पृथ्वी और सूर्य के बीच जो लैग्रांजी बिंदु की संख्या है वह 5, जिन्हें कुछ नाम दिया गया है। लिखते हैं क्या नाम दिया है, उनकी बात करते हैं। तो इन
बिंदुओं की इन बिंदुओं की संख्या क्या है? 5 है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, L1, L2, L3, L4, L5। इन्हें नाम दिया गया है लैग्रांज पॉइंट 1, L2, L3, L4, L5। ये क्या है? लैग्रांज बिंदु हैं जो पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य 5 ऐसे बिंदु हैं या 5 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर किसी प्रक्षेपण यान को यदि हम प्रक्षेपित करें तो वह ना तो पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसे खींच पाएगा और ना ही सूर्य का गुरुत्वाकर्षण उस प्रक्षेपण यान को अपनी ओर खींच पाएगा। तो यहाँ से हम किसी यदि किसी प्रक्षेपण यान को भेजते हैं तो वह सूर्य का अच्छे से परीक्षण कर पाता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि जो हाल ही में प्रक्षेपण यान भेजा गया है भारत द्वारा सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए, वह किस लैग्रांज बिंदु पर भेजा गया है? तो जो हाल ही में जो आदित्य L1 जो प्रक्षेपण यान भारत द्वारा भेजा गया है उसका क्या नाम है? आदित्य L1। वह कहाँ भेजा गया है? वह भेजा गया है सूर्य की कोरोना का अध्ययन करने के लिए। और यह क्या है? सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला मिशन है, भारत द्वारा भेजा गया पहला प्रक्षेपण यान है जो सूर्य की कोरोना का अध्ययन करेगा। और यह किस लैग्रांज बिंदु पर भेजा गया है? तो यह L1 बिंदु पर भेजा गया। ठीक, तो ये थी हालिया चर्चा। अब हम बात करेंगे कि ग्रहों की परिभाषा कैसे निश्चित हुई। तो ग्रहों की परिभाषा सन 2011 से पहले कुछ और थी, जब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की एक सभा हुई सन 2011 में, तो उस सभा में कुछ निर्धारित बिंदु तय किए गए जिससे यह तय हो सके कि कोई किस खगोलीय पिंड को ग्रह माना जाए। तो उसमें कुछ क्राइटेरिया या कुछ घटक निश्चित किए गए जो एक खगोलीय पिंड में ग्रह बनने के लिए होना चाहिए। तो हम बात कर लेते हैं कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन अर्थात अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा कौन से जो 3 घटक हैं या जो 3 कंपोनेंट्स हैं वह किसी खगोलीय पिंड में होने चाहिए ग्रह बनने के लिए। चलिए बात करते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन अर्थात अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। तो इसका आयोजन सन 2011 में किया गया था जिसमें ग्रहों की नई परिभाषा को क्या किया गया, प्रतिपादित किया गया। ठीक, तो इसमें पहला जो घटक था या जो पहला क्राइटेरिया था वह क्या था? वह था कि वह सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करता हो, सूर्य का चारों ओर परिक्रमा करता हो, कि एक ऐसा खगोलीय पिंड हो जो सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करे, सूर्य की चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता हूँ। ठीक, दूसरा क्राइटेरिया था कि उस खगोलीय पिंड में कम से कम इतना द्रव्यमान हो कि वह एक निश्चित आकार ग्रहण कर सके। तो
क्या था दूसरा क्राइटेरिया? दूसरा क्राइटेरिया था कि उस खगोलीय पिंड में इतना, कम से कम इतना द्रव्यमान हो कि वह एक गोल आकार ग्रहण कर सकते। अब आप कहेंगे कि गोल आकार ही क्यों? क्योंकि गोल आकार या जो स्फीयर का जो आकृति होती है उसका पृष्ठीय तनाव सबसे कम होता है, इसलिए कोई भी वस्तु का द्रव्यमान कम से कम इतना होना चाहिए कि वह क्या हो, गोल आकार ग्रहण कर सके। तो इसमें क्या हो, कम से कम इतना द्रव्यमान हो कि गोल आकार ग्रहण कर सके। तीसरी जो क्राइटेरिया है वह क्या है, उसको भी हम समझ लेते हैं। तो तीसरा क्राइटेरिया है कि खगोलीय पिंड है वह अपनी कक्षा का क्या हो, अपनी कक्षा का विद्यमान पिंड हो या प्रमुख गुरुत्वाकर्षण पिंड हो, क्या हो, वह पिंड अपनी कक्षा का प्रमुख गुरुत्वाकर्षण पिंड हो और किसी दूसरी कक्षा को प्रतिच्छेद ना करें या अपनी कक्षा का चक्कर लगाए। तो इसको हम क्या लिखेंगे, वह अपनी कक्षा का प्रमुख गुरुत्वाकर्षण पिंड हो तथा अपनी ही कक्षा का चक्कर लगाए, अर्थात किसी दूसरी ग्रह की कक्षा को प्रतिच्छेद ना करें। अब बात करते हैं कि इस नई ग्रह की परिभाषा के अनुसार सन 2011 के बाद जो हमारे पास जो 9 ग्रह थे उसमें से एक ग्रह यम ग्रह को ग्रह की पदवी से हटा दिया गया, अर्थात उसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि वह इन जो ग्रह की यह नई परिभाषा थी उसको फॉलो नहीं करता था। अब बात करते हैं कि जो प्लूटो ग्रह था जिसे हम यम ग्रह भी कहते हैं, उसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर क्यों किया गया? तो अब बात करते हैं कि जो प्लूटो ग्रह था उसको क्यों किया गया, तो बात कर लेते हैं क्यों किया गया। वह जो प्लूटो ग्रह था वह सूर्य की चारों ओर तिरुपत्ता का कक्षा में गति करता था, वह एक क्राइटेरिया फॉलो करता था। दूसरा क्राइटेरिया क्या था, दूसरे ग्रह कम से कम इतना द्रव्यमान हो कि गोल आकार ग्रहण कर सके। तो प्लूटो का इतना द्रव्यमान था कि वह एक गोल आकार ग्रहण कर सकते, तो वह दूसरा भी जो क्राइटेरिया है वो भी फॉलो करता था। अब तीसरे क्राइटेरिया की बात करते हैं, तो प्लूटो जो है वह तीसरा क्राइटेरिया क्या करता था, तीसरा जो क्राइटेरिया है इसको फॉलो नहीं करता था। तीसरा क्राइटेरिया है वह है अपनी कक्षा का प्रमुख गुरुत्वाकर्षण पिंडों और अपनी ही कक्षा में चक्कर लाया। तो जो प्लूटो था वह अपनी कक्षा का प्रमुख गुरुत्वाकर्षण पिंड नहीं था, वह क्या करता था, वह जो नेपच्यून है अर्थात जो वरुण है उसकी कक्षा को काटता था, अर्थात उसको प्रतिच्छेद करता था, जिससे क्या होगा कि अब वह जो प्लूटो है वो दोनों कक्षाओं में जा रहा है। तो कभी ना कभी एक ऐसा समय आएगा कि वह प्लूटो ग्रह किसके पास आएगा, वरुण ग्रह के पास, अर्थात नेपच्यून प्लैनेट के पास आएगा। तो वह जो प्लूटो है चूँकि आकार में छोटा है और नेपच्यून उससे बड़ा है, तो प्लूटो अपनी कक्षा का प्रमुख गुरुत्वाकर्षण पिंड नहीं रहेगा, अर्थात प्लूटो को जो नेपच्यून प्लैनेट है वह अपनी गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से प्लूटो को अपनी ओर खींच लेगा और प्लूटो समाप्त हो जाएगा, इसलिए प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा
कि जो प्लूटो है उसको सन 2011 के बाद ग्रह की श्रेणी से क्यों हटा दिया गया। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा सन 2011 में की गई ग्रहों की नई परिभाषा, और ये उसके 3 क्राइटेरिया हैं। इस क्राइटेरिया पर प्लूटो, जो ये जैसे हम यम ग्रह भी कहते हैं, यह इन क्राइटेरियों को फॉलो नहीं करता था, इसलिए इसे ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। अब हम बात करेंगे सोलर सिस्टम की। अब हम आएंगे अपने सोलर सिस्टम में, जिसमें हमारे क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड आदि सारी बातें होती हैं। हम बात करेंगे अपने ग्रहों की। चलिए दोस्तों, अब हम अपनी बात करते हैं सौरमंडल की। सौरमंडल किसे कहते हैं? ठीक, चलिए सौरमंडल, जिसे हम इंग्लिश में सोलर सिस्टम कहते हैं, तो सौरमंडल किसे कहते हैं? सौरमंडल की परिभाषा है सूर्य तथा इसके आसपास स्थित ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड तथा अन्य खगोलीय पिंडों को सौरमंडल कहते हैं तथा जो सूर्य का दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करते। ठीक, तो ये हमारा सन है, ये कक्षाएं हैं, इनमें जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं आदि, सूर्य की एक किस्में दीर्घवृत्तापथ पर क्या करते हैं? परिक्रमण करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। हमारे सौरमंडल में क्या है? हमारे सौरमंडल में एक सन है, जिससे जो क्या है, जो कि एक तारा है। जैसा कि हम पिछले अपने सेशन में बात की थी कि सन क्या है? एक तारा है। ठीक, और प्लस इसमें 8 ग्रह हैं, और जो प्लूटो ग्रह था उसको ग्रह की श्रेणी से हटाया गया, तो वह क्या बना? उसे बौना ग्रह माना गया। प्लूटो का है एक बौना ग्रह है। इसमें क्षुद्र ग्रह पेटी भी है, जो आगे हम बताएंगे कि वह मंगल ग्रह तथा बृहस्पति ग्रह के बीच में स्थित है, क्षुद्र ग्रह पेटी। ठीक, इसके अंतर्गत उरुट क्लाउड भी आते हैं, इसके अंतर्गत क्यूपर बेल्ट भी आता है। ठीक, और 8 ग्रह तो आते ही, उपग्रह भी आते हैं। ठीक, इसमें क्या आता है? उपग्रह भी आता है। उपग्रह, हर ग्रह के अलग अलग उपग्रह हैं, कुछ ग्रहों के ज़्यादा उपग्रह हैं और कुछ ग्रहों के कम उपग्रह हैं। आगे हम सभी बातें करेंगे। ठीक, सोलर सिस्टम की बात हुई। सोलर सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन है? सोलर सिस्टम किसे हम कहते हैं? ठीक, अब चलिए बात कर लेते हैं सोलर सिस्टम को बृहत रूप में, एक अच्छा डायग्राम बनाकर उसको हम समझेंगे, फिर हम ग्रह पर आएंगे और बात करेंगे कि ग्रह किसे कहते हैं और हमारे पास कौन कौन से ग्रह हैं। ठीक, अब हम सोलर सिस्टम का एक चित्र बनाते हैं। ये क्या है? हमारा सन है।
ठीक। ठीक, ये हमारा सौरमंडल है, ये हमारा सन है, ये क्या है, बुध ग्रह है अर्थात मरकरी, ये क्या है शुक्र, ये कौन सा ग्रह, शुक्र ग्रह अर्थात वीनस, ये क्या है मार्स, सॉरी अर्थ, पृथ्वी, अर्थ, ये क्या है मार्स अर्थात मंगल, मार्स, ठीक, ये है जुपिटर, बृहस्पति, बृहस्पति, जुपिटर, ये है शनि, सैटर्न, ये क्या है अरुण, अरुण ग्रह, इसको कहते हैं यूरेनस, ये क्या है वरुण, इसे कहते हैं नेपच्यून। अब ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ये है क्षुद्र ग्रह, इसे हम क्या कहते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट, एस्ट्रॉयड बेल्ट, हिंदी में ना कहते हैं क्षुद्र ग्रह पेटी। जैसे कि मैंने बताया था कि ये क्या है मंगल ग्रह तथा बृहस्पति ग्रह के बीच में स्थित है, तो ये मंगल ग्रह है, ये बृहस्पति ग्रह, इसके बीच में कौन है क्षुद्र ग्रह पेटी, ये सैटर्न है, ये अरुण है, ये वरुण है। अब बात करते हैं ये क्या है, ये है, इसे हम उच्चारण में कैपर बेल्ट भी कहते हैं, यदि हम इंग्लिश में लिखें कैपर तो इसे कैपर बेल्ट, या इसे ही हम क्यूपर बेल्ट भी कहते हैं, उच्चारण आप कुछ भी कर सकते, क्यूपर पेटी। पर ये जो ये है ये क्या है रूट क्लाउड है, रूट क्लाउड एक सैद्धांतिक परिकल्पना है जिसको वैज्ञानिक रूट ने दिया था, उनके अनुसार यह क्या है रूट क्लाउड सौरमंडल की बाहरी सीमा है, यह क्या है एक सैद्धांतिक में है जिसे रूट नामक वैज्ञानिक दिया था, इसे देखा नहीं गया लेकिन बस इसकी एक कल्पना की गई रूट नामक वैज्ञानिक द्वारा, जिन्होंने कहा कि रूट हमारे सौरमंडल की क्या है बाहरी सीमा है, इसके आगे सूर्य का जो ग्रेविटेशन फोर्स है वह काम नहीं करता है, तो ये क्या है रूट क्लाउड, रूट्स क्लाउड, ये क्या है सौरमंडल की बाहरी सीमा। ठीक, ये है हमारा सोलर सिस्टम जिसमें पहले बुध, वीनस, अर्थ, फिर आता है मार्स एंड एस्ट्रॉयड पेटी, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, देन क्यूपर बेल्ट एंड देन रूट्स क्लाउड। अब हम बात कर लेते हैं कि इससे कुछ प्रश्न आते हैं, जैसे सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों को सजाइए, तो दूरी के आधार पर आपको दिख रहा है सबसे कम दूरी पर है बुध, देन शुक्र, देन पृथ्वी, देन मंगल, देन बृहस्पति, देन शनि, देन अरुण, देन वरुण, ठीक, तो ये क्या है दूरी के आधार पर। लेकिन एक और प्रकार के प्रश्न आते हैं जैसे कि आकार पर आधार पर ग्रहों का क्रम, तो हम बात करते हैं आकार के आधार पर, आकार के आधार, तो आकार के आधार पर आपको दिख रहा है सबसे बड़ा है जुपिटर, देन इससे छोटा है शनि, सैटर्न, देन इससे छोटा है अरुण यानी यूरेनस, देन वरुण, देन नेपच्यून, देन आता है इससे छोटा फिर अपना है अर्थ, देन शुक्र, शुक्र को तो पृथ्वी का जुड़ाव बहन भी कहते हैं अर्थात ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ, कौन है वीनस है, तो अर्थ के बाद वीनस, देन इससे छोटा है मार्स, देन सबसे छोटा है मरकरी। ठीक, तो ये क्या हो गया आकार के आधार पर हो गया कि आकार के आधार पर ग्रहों का क्रम, तो ये आकार के आधार पर है, सबसे पहले है जुपिटर, देन सैटर्न, देन यूनस, देन नेपच्यून, देन अर्थ, देन वीनस, देन मार्स, देन मरकरी।
ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, अब हम बात कर लेते हैं कि अब इसमें कह रहे हैं, हाँ जो जो सूर्य के पास जो ग्रहों का जो क्रम है वह क्या है, यह क्रम डेंसिटी डिफ्रेंसिएशन के आधार पर निश्चित किया गया, अर्थात घनत्व विभेदीकरण के आधार पर यह क्रम क्या बना हुआ है, क्रम निर्धारित हुआ है। जब सूर्य और ग्रह का निर्माण हो रहा था तो जो सबसे अधिक घनत्व वाले ग्रह थे वह सूर्य के पास आ गए, और जो जो कम घनत्व के ग्रह थे वह पीछे की ओर चले गए। ठीक, तो जो ग्रहों का जो अवस्थिति है वह किस आधार पर हुई है, वह हुई है डेंसिटी डिफ्रेंसिएशन के आधार पर, अर्थात घनत्व विभेदीकरण के आधार पर। तो एक और स्टार पॉइंट यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, तो जो ग्रहों का निर्धारण है, ग्रहों का निर्धारण वह क्या हुआ है, डेंसिटी डेंसिटी डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन अर्थात घनत्व विभेदीकरण के आधार पर होगा। ठीक, तो ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अब हम बात करते हैं ग्रह, ग्रह किन्हें कहते हैं, ग्रह को परिभाषित मतलब ग्रह को यदि परिभाषित करना हो तो उसे हम कैसे परिभाषित करेंगे। देन हम बात करेंगे उपग्रह की, फिर ग्रह दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह जिन्हें हम इनर प्लैनेट या टेरिस्ट्रियल प्लैनेट भी कहते हैं, और दूसरा प्रकार होता है बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह। बाह्य ग्रह क्या होते हैं, आउटर प्लैनेट या जोवियन प्लैनेट भी कहते हैं। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है जो सन और एस्ट्रॉयड बेल्ट यानी चतुर्य पेटी के बीच में जो स्थित ग्रह हैं इन्हें हम इनर प्लैनेट कहते हैं, इनर प्लैनेट कहते हैं। और जो हमें एस्ट्रॉयड बेल्ट और कैपर बेल्ट के बीच जो हमें दिख रहे हैं ग्रह इन्हें हम जोवियन प्लैनेट कहते हैं, जोवियन प्लैनेट अर्थात बाह्य ग्रह, अर्थात जोवियन जो आकार में बड़े हों। तो जैसा कि हमने देखा था जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून ये आकार में बड़े हैं इसलिए हम इन्हें जोवियन प्लैनेट कहते हैं। ये इनर प्लैनेट हैं, पार्थिव या इन्हें हम टेरिस्ट्रियल प्लैनेट, पार्थिव जो चट्टानों जैसे भारी पदार्थों से निर्मित हैं, चूँकि जो बुध है शुक्र है पृथ्वी है मंगल है यह क्या है चट्टानी जैसे कठोर पदार्थों से निर्मित है इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, इनर प्लैनेट या टेरिस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं। अभी हम आगे इसमें और विस्तार से चर्चा करेंगे, तो अभी हम देख लेते हैं कि ग्रह को हम कैसे परिभाषित करते हैं। ग्रह प्लैनेट, तो जो प्लैनेट शब्द है वह है, जो प्लैनेट शब्द है वह ग्रीक भाषा के शब्द किससे प्लेनेटाई से लिया गया है। इस प्लेनेटाई का अंग्रेजी अनुवाद निकाले तो क्या आता है, बेंडरर्स 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 का अर्थ होता है घूमने वाला घूमने वाला। अब घूम रहा है प्लैनेट, जो घूम रहा है कहाँ घूम रहा है, सौरमंडल में। अब सौरमंडल में घूम रहा है किसके सापेक्ष घूमेगा, तारों के सापेक्ष। तो तारों के सापेक्ष एक निश्चित गति में एक निश्चित पथ पर घूमने वाला उसे हम क्या कहते हैं, बेंडरस। क्या कहते हैं, बेंडरस, किसे, तारों के सापेक्ष एक निश्चित पथ पर घूमने वाला या गति करना, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, बेंडरस। बेंडरस का जो प्लेटनाइट प्लेनेटाई का जो अनुवाद है उसे हम बेंडरस कहते हैं।
तो ग्रह क्या है? जो तारों के सापेक्ष एक निश्चित पथ पर गति करते हैं। जैसे कि जो हमारे सौरमंडल के जो 8 ग्रह हैं, वही क्या कर रहे हैं, एक तारा जो कि क्या है सूर्य, उसके चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में एक निश्चित पथ पर निरंतर रूप से गति कर रहे हैं। तो जो सौरमंडल में स्थित जो हमारे खगोलीय पिंड है जिन्हें हम ग्रह कहते हैं, तो ये क्या हुआ, ग्रह। ठीक, तो अब इसकी एक नॉर्मल सी परिभाषा, ये आपने बहुत कम सुनी होगी। अब एक जो नॉर्मल सी हर टीचर आपको बताता है कि ये परिभाषा है, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। तो ग्रह इनमें आप जानते हैं ये क्या है, खगोलीय पिंड है जिनमें स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। यह अपने जो जनक सूर्य है उसके ऊष्मा एवं प्रकाश के माध्यम से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उससे ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त करते हैं। जैसा कि हमारे ग्रह, ग्रह क्या है, एक प्लैनेट। तो दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे थे प्लैनेट्स की, ग्रह ग्रह क्या होते हैं, ग्रह शब्द की उत्पत्ति ग्रीस भाषा के प्लेनेटाइज शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है बेंडरस। बेंडरस का मतलब घूमने वाला। घूमने वाला क्या, तारों के सापेक्ष के निश्चित पथ पर गति करना, ठीक, वही कहलाता है बेंडरस। और यह क्या है, ग्रह की परिभाषा। तो ग्रह की यह तो एक बढ़िया परिभाषा है जो हर टीचर नहीं बताता है। अब हम बात करते हैं जो नॉर्मल इसके फीचर्स, फीचर्स क्या होते हैं इसके, ग्रह जो कि एक खगोलीय पिंड है, ठीक, खगोलीय पिंड है। दूसरा, इसमें स्वयं का ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता, अर्थात यह जो इसमें रोशनी या ऊष्मा होती है वह अपने जो सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसे हम सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट है, जो क्या है सन है हमारे सौरमंडल का, उससे ये ग्रह प्राप्त करता है। जैसे कि हमारे ग्रह, हम जिस ग्रह पर रहते हैं अर्थ, उस पर जो सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट है वही क्या है, सन है, ठीक। तो हम हीट और लाइट के लिए सन पर निर्भर है, तो उसे ही हम कहते हैं प्लैनेट। तो यह क्या है, पहली बात तो खगोलीय पिंड है, दूसरी बात स्वयं का ऊष्मा, स्वयं का प्रकाश व ऊष्मा नहीं, ठीक। तो यह क्या है, ग्रह। यह अपने लिए ऊष्मा एवं प्रकाश के लिए किस पर, सन पर निर्भर करता है। अब हम बात कर लेते हैं उपग्रह की भी, हालिया देख लेते हैं उपग्रह क्या होता है। जैसे हम सैटेलाइट, सैटेलाइट भी कहते हैं, उपग्रह भी क्या है, एक प्रकार के खगोलीय पिंड है, लेकिन यह सूर्य का चारों ओर चक्कर नहीं लगा। जैसे ये ग्रह है, ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ये क्या करते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं, वो भी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में, ठीक। लेकिन उपग्रह खगोलीय पिंड तो है, लेकिन क्या हो, यह सूर्य का चक्कर तो लगाता ही है, साथ ही साथ पृथ्वी का चक्कर भी लगाता है। यदि हम इसको सही मायने में कहें तो यह पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए सूर्य का चक्कर लगाता है, क्योंकि पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर लगा रही है, ठीक। तो इससे यह क्या करता है, ग्रहों के चक्कर लगाता है, ग्रहों का चक्कर लगाता है, और यह इसमें भी स्वयं का ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है, स्वयं का ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं जो ग्रहों के प्रकार, दो प्रकार के, जैसा कि हमने पहले जब हम सौरमंडल का चित्र बनाता उसमें हमने बताया था आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह, और दूसरे प्रकार के जो ग्रह होते हैं तो उन्हें हम बाह्य ग्रह या जोबियन ग्रह कहते हैं, ठीक। तो उनकी बात कर लेते हैं, उनके फीचर्स की बात कर लेते हैं कि उनके कौन कौन से गुण हैं। तो हम जो पार्थिव ग्रह हैं और जो जोबियन ग्रह हैं उनको हम कंपैरिजन बेसिस पर करेंगे, अर्थात तुलनात्मक रूप से इसका हम अध्ययन करेंगे। तो एक साइड हम क्या करेंगे, इनर प्लैनेट्स को लिख लेंगे, और दूसरी ओर हम आउटर प्लैनेट्स को लिख लेते हैं, फिर इनका हम क्या करेंगे, दोनों के फीचर्स के बारे में पैरेलली हम बताएंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं आंतरिक ग्रह, आंतरिक या पार्थिव ग्रह। इनर
या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। दूसरी और लग लग बाहर या जोवियन ग्रह ने हम आउटर या जोवियन प्लैनेट भी कहते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं, आंतरिक तो समझ में आ रहा है क्योंकि यह सूर्य के पास है, बाहर समझ रहा है कि ये दूर सूर्य से दूर है, लेकिन इस जो पार्थिव शब्द और जोवियन शब्द का क्या अर्थ है? तो पार्थिव शब्द इसलिए कहा गया है क्योंकि जो सूर्य और क्षुद्र ग्रह पेटी के बीच में जो ग्रह स्थित हैं वह चट्टानों जैसे भारी पदार्थों से बने हुए हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, पार्थिव ग्रह कहते हैं। और जो जोवियन ग्रह है जो कि क्षुद्र ग्रह पेटी तथा कैपर बेटी या जैसे हम क्यूपर बेल्ट भी कहते हैं उसके बीच जो स्थित ग्रह है वह क्या है, हल्के पदार्थों जैसे गैसें बर्फें आदि बर्फ़ आदि से बने हुए हैं और आकार में बड़े हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, जोवियन ग्रह कहते हैं। इनके प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं तो इसमें जो पहला है यह क्या है, पहला तो यह सूर्य से निकट है, यह क्या है, सूर्य से दूर है, ठीक। दूसरा यह क्या है, चट्टानी जैसे भारी पदार्थों से बने हुए हैं, चट्टानी जैसे भारी पदार्थों से निर्मित, ठीक। ये गैसियस प्लैनेट या गैसियस पदार्थों से बने हुए हैं से निर्मित, इसलिए इन्हें हमें गैसियस प्लैनेट भी कहते हैं। तीसरा ये आकार में छोटे हैं, आकार में क्या है, छोटे हैं, ये आकार में क्या है, बहुत बड़े हैं, ठीक। चौथा इनका घनत्व बहुत अधिक है, यह घनत्व में बहुत अधिक है क्योंकि जैसे कि हमने बताया था कि ग्रहों का जो क्रम निर्धारण है वह घनत्व के आधार पर हुआ था, घनत्व विभेदीकरण प्रक्रिया से हुआ, अर्थात जो जितना भारी है वह पहले फिर उससे कम वह आदमी ऐसे ऐसे करके हुआ। ठीक, तो इनका ग्रह जो आंतरिक ग्रह उनका घनत्व ज़्यादा है, यहाँ पर घनत्व कम है, ठीक। लेकिन इनका द्रव्यमान क्या है, इनकी तुलना में कम है, ये द्रव्यमान में ज़्यादा है, ये द्रव्यमान में कम है और ये द्रव्यमान इनका द्रव्यमान क्या है, ज़्यादा, ठीक है, ठीक है। और इसमें क्या रहेगा, हाँ इसमें उपग्रहों की संख्या, जो आंतरिक ग्रह हैं या पार्थिव ग्रह हैं इनमें उपग्रहों की संख्या कम है, जबकि जो जोवियन ग्रह हैं या बाह्य ग्रह हैं उनमें उपग्रहों की संख्या बहुत ज़्यादा है। किसी किसी ग्रह में जैसे जुपिटर में बहुत सारे ग्रह हैं जिनमें से मंगल, क्लिस्टो, यूरोपा, लो, ये हैं जो गैनीमेड, लो, यूरोपा एंड क्लिस्टो, यह क्या है, जोवियन ग्रह के कुछ प्रमुख उपग्रह हैं, ठीक, जिसमें ठीक। और जैसे शनि ग्रह के 80-81 यानी कितने उपग्रह हैं, ठीक, जिसमें से प्रमुख कुछ टाइटन इसका नाम है, मैं ध्यान भूल रहा हूँ, वो है, ऐसे अरुण वरुण के बहुत सारे उपग्रह हैं, ठीक। तो ये है आंतरिक ग्रह, ये है बाह्य ग्रह, ठीक। तो इनके हमने जो फीचर्स हैं आपको बता दिए, ठीक। तो यहाँ से हमारा जो प्लैनेट है, जो प्लैनेट को जो परिभाषित करना था वो हमने कर लिया, सोलर सिस्टम में जो सारी बातें थी, जो 8 ग्रह थे, क्षुद्र ग्रह थे, उरुट क्लाउड थे, उन सभी की बात कर ली। उरुट क्लाउड क्या है, एक बार फिर से समझ लेते हैं, उरुट क्लाउड एक वैज्ञानिक या एक सैद्धांतिक परिकल्पना है जिसको उरुट नामक एक साइंटिस्ट द्वारा प्रतिपादित किया गया था। उनके अनुसार उरुट बादल सौरमंडल की भारी सीमा है जिसके बाहर सौरमंडल सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण है वह काम नहीं करता, ठीक। तो उरुट क्लाउड क्या है, सौरमंडल की बाहरी सीमा है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं
अब हम बात करते हैं जो एक कॉन्सेप्ट रह गया था चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा को हम समझ लेते हैं कि चंद्रशेखर सीमा किसे कहते हैं। चंद्रशेखर सीमा, इसे हम चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं। यह एक भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस सीमा को प्रतिपादित किया था। इस सीमा की जो वैल्यू है 1.4 इंटू मास ऑफ सन है। अब इन्होंने कहा था यदि किसी तारे का यदि किसी नेबुला का आकार, यदि किसी नेबुला का जो द्रव्यमान है वह 1.4 इंटू मास ऑफ सन या जिसे हम चंद्रशेखर सीमा कहते हैं इससे ज़्यादा है, इससे यदि ज़्यादा है 1.4 इंटू मास ऑफ सन से ज़्यादा है, ठीक है, यदि किसी नेबुला का द्रव्यमान, तो वह क्या होगा, आकार में क्या होगा उससे जो तारे का निर्माण होगा वह क्या होगा, आकार में बड़ा होगा, जिसे हम मैसिव स्टार कहेंगे, मैसिव स्टार, ठीक। और यदि किसी नेबुला का द्रव्यमान 1.4 इंटू मास ऑफ सन से कम है तो वह क्या होगा, आकार में उससे जो तारा बनेगा वह आकार में क्या होगा, छोटा होगा और एक नॉर्मल स्टार बनेगा, एक नॉर्मल स्टार बनेगा, ठीक, नॉर्मल स्टार बनेगा, या हम इसे कह सकते हैं रेड जाइंट बनेगा। अब हम इसको इसी से एक स्टेप आगे बढ़कर हम बात करते हैं जो कि हम पहले बात करना भूल गए थे, अभी मुझे याद आया कि इसके बाद हमें वो कॉन्सेप्ट लेना चाहिए, ये पढ़ लिया तो उसको भी हम समझ लेते हैं। वह क्या था, तारे का जन्म एवं मृत्यु। तारे का जन्म की जो प्रोसेस थी, जो नाभिकीय संलग्न होता है वो हमने समझ लिया, लेकिन उसके साथ हम मृत्यु कि तारा अपने जीवन चक्र में किन किन स्टेजों से होकर गुजरता है, अब हम उसकी बात करते हैं। तो हम बात करते हैं तारे का जीवन चक्र, तो हम बात करने वाले हैं तारा अपने संपूर्ण जीवन काल में कितने स्टेजों या कितने पक्षों से होकर गुजरता है, ठीक। पहली बात समझ लीजिए, तो तारे में जो नाभिकीय संलयन होता है, जो केंद्र में नाभिकीय संलयन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, वह हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित होता है, अर्थात उसमें जो नाभिकीय संलयन होता है वह क्या होता है, हाइड्रोजन के चार अणु मिलकर हीलियम का अणु बनाते हैं, तो उसमें जो ईंधन प्रयोग हो रहा है वह क्या है, हाइड्रोजन है। जैसे कि एक भट्टी में यदि हम भट्टी जलाते हैं, उस पर कुछ पकाते हैं, तो उसमें जो ईंधन प्रयोग करते हैं वह क्या होता है, लकड़ी होता है, कंडा होता है, तो वैसे ही सूर्य के केंद्र में जो एक भट्टी नुमा नाभिकीय संलयन हो रहा है उसमें जो ईंधन है वह क्या है, हाइड्रोजन। तो यह जीवन चक्र किस पर आधारित है, हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित है, ईंधन पर आधारित। ठीक, हाइड्रोजन जीवन पर आधार, हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित है। चलिए अब हम बात करते हैं, अब जो हमने अभी चंद्रशेखर लिमिट पढ़ी है उसका यूज यहाँ पर है, तो कैसे है? जैसे कि ये क्या है, नेबुला हमने अपने पिछले रिवीजन सेशन में बात की थी कि डस्ट पार्टिकल और विभिन्न प्रकार की गैसों का क्या है, मिश्रण है, गैसेस का मिश्रण है नेबुला, इसे हम हिंदी में निहारिका भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर चंद्रशेखर लिमिट की। अब जैसे कि हमने बात की थी यदि नेबुला का जो द्रव्यमान है वह 1.4 इंटू मास ऑफ सन से यदि कम है तो यह क्या होगा, रेड जाइंट बनेगा, लेकिन रेड जाइंट बनने से पहले वह नॉर्मल स्टार बनेगा, तो यह क्या बनेगा, एक
नॉर्मल स्टार, एक नॉर्मल स्टार जिसके केंद्र में क्या हो रहा है, नाभिकीय संलयन हो रहा है, इसके केंद्र में क्या हो रहा है, नाभिकीय संलयन हो रहा है, अर्थात नाभिकीय संलयन मतलब अब नॉर्मल स्टार जो स्थान है उसके केंद्र में नाभिकीय संलयन हो रहा है, अर्थात हाइड्रोजन के चार अणु मिलकर हीलियम का एक अणु बना रहा है और साथ ही उससे बहुत सारी ऊर्जा निकल रही है, नाभिकीय संलयन अर्थात हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहे हैं, हीलियम बना रहे हैं और साथ ही बहुत अधिक एनर्जी निकल रही है। तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर जो चारों तरफ हाइड्रोजन है वही केंद्र की तरफ आ रहे हैं, केंद्र की तरफ आ रहे हैं, ईंधन के रूप में जल रहे हैं और हीलियम का निर्माण कर रहे हैं और बहुत सारी एनर्जी निकाल रहे हैं। तो ये क्या है जो निकल रही है, वह एनर्जी है। ठीक, तो ये क्या है, नॉर्मल स्टार है, इसको हम लिख देते हैं स्टार जिसके केंद्र में क्या हो रहा है, नाभिकीय संलयन। अब इसके बाद इसमें क्या होगा, नोवा। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जब स्टार से रेड जायंट बनता है तो इस प्रक्रिया को हम नोवा कहते हैं। यह कैसे होता है, मान अब ये कैसे होगा समझिए, जैसे कि इसमें नाभिकीय संलयन हो रहा है अर्थात हाइड्रोजन जो ईंधन के रूप में वह जल रहा है और एनर्जी बाहर निकल रही है, तो यहाँ पर क्या है, एक संतुलन बना हुआ है। तो यह आकार में अभी उतना ही रहेगा, लेकिन जैसे जैसे जो हाइड्रोजन ईंधन है वह समाप्त हो जाएगा, अब चूंकि केंद्र में ग्रेविटेशन फोर्स भी काम कर रहा है तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन जो संलयन की प्रक्रिया है वह हाइड्रोजन ईंधन को कम कर रही है और संलयन की संलयन से जो एनर्जी बन रही है उसको बाहर फेंक रही है। तो इसमें क्या हो रहा, ग्रेविटेशन और संलयन अभिक्रिया में ग्रेविटेशन क्या फोर्स क्या लगा रहा है, बाहर अंदर की ओर तला, ग्रेविटेशन फोर्स अंदर की ओर लग रहा है और संलयन फोर्स क्या लग रहा है, बाहर की ओर। तो यहाँ पर संतुलन संतुलन बना हुआ है, लेकिन जब ईंधन की कमी होगी, ईंधन की कमी होगी अर्थात हाइड्रोजन कभी ना कभी खत्म तो होगा ही ईंधन, तो क्या है, हाइड्रोजन की जैसे ही कमी होगी तो यहाँ पर संलयन की जो अभिक्रिया है धीमी पड़ जाएगी, संलयन की अभिक्रिया धीमी पड़ेगी तो ग्रेविटेशन फोर्स अधिक प्रभावी हो जाएगा, तो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण केंद्र क्या होगा, सिकुड़ने लगेगा, केंद्र क्या है, सिकुड़ने लगेगा, केंद्र क्या है, सिकुड़ने लगेगा। क्यों सिकुड़ रहा है, क्योंकि ईंधन की कमी हो रही है, तो यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स क्या हो रहा है, अधिक हो गया है और जो संलयन फोर्स है वह क्या हो गया है, कम हो गया है, इसलिए केंद्र सिकुड़ रहा है। अब चूंकि जो ईंधन में कमी हुई है तो हाइड्रोजन जला है, हाइड्रोजन जला है, हीलियम बनाया और बहुत सारी एनर्जी हीलियम बन रहा है, हाइड्रोजन भी किनारे किनारे है लेकिन हीलियम बना, तो क्या है, एनर्जी निकली, जो एनर्जी निकली अब वह धीरे धीरे समय के साथ क्या हो रही है, लॉस्ट हो जा रही है, जो समय के साथ जो एनर्जी निकल रही है वह गायब होती जा रही है, ब्रह्मांड में स्पेस डस्ट के रूप में व्याप्त होती जा रही है, निकलती जा रही है। और अब हम देखेंगे कि बहुत अधिक बरसों बाद ये जो चूंकि केंद्र सिकुड़ रहा है, ईंधन की कमी हो रही है, जो बाहरी एनर्जी है वो लॉस्ट हो रही है, जो हीलियम बना है वह भी लॉस्ट हो जा रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, कई बरसों बाद, कई लाखों करोड़ों बरसों बाद क्या होगा, ये जो इसे हम क्या कहेंगे, रेड जायंट, ये जो बना है इसे हम क्या कहते हैं, रेड जायंट, या इसे हम लाल दानव कहते हैं, यह क्या होगा, कई लाखों करोड़ों वर्षों के बाद आकार में बहुत छोटा हो जाएगा और जिसे हम क्या कहेंगे, सफ़ेद बामन, या हम इसी को कहेंगे वाइट डॉट, यह आकार में बहुत छोटा हो जाएगा और यही सफ़ेद बामन बाद में क्या हो जाएगा, काला बामन हो जाएगा, काला बामन जिसे हम ब्लैक डॉर्फ कहते हैं और यह समाप्त हो जाएगा। तो यह क्या थी, तारे का जीवन चक्र था, जब नेबुला, किसी नेबुला का जो आकार है वह 1.4 into मास ऑफ सन से कम हो। अब हम बात करेंगे जब नेबुला चंद्रशेखर सीमा से उसका द्रव्यमान अधिक हो, जब इसका द्रव्यमान 1.4 into मास ऑफ सन से अधिक हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, देख, तो ऐसी स्थिति में हमने बताया था वह क्या बनेगा, मैसिव स्टार बनेगा, एक
बड़ा स्टार बनेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, मैसिव स्टार। मैसिव स्टार बनने के बाद इसमें क्या होगा, एक सुपरनोवा प्रक्रिया होगी। जैसे कि यहाँ पर नोवा प्रक्रिया हुई, यहाँ पर ईंधन की कमी हुई, यहाँ पर ईंधन की कमी हो गई, यहाँ पर ईंधन की कमी नहीं हुई, यहाँ पर क्या होगा, सुपरनोवा होगा, अर्थात यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा, विस्फोट होगा, एक बहुत बड़ा विस्फोट होगा। और यह मैसिव स्टार दो चरणों में टूट जाएगा, या तो यह क्या बनेगा, या तो यह न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, और या यह क्या बनेगा, ब्लैक होल बनेगा, या यह ब्लैक होल बनेगा, जिसे हम कृष्ण विवर भी कहते हैं। या तो यह क्या बनेगा, न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, या यह ब्लैक होल बनेगा। अब न्यूट्रॉन स्टार क्या होते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। तो न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है, बहुत ही अधिक हाईली डेंस्ड मतलब अत्यधिक घनत्व, जो न्यूट्रॉन स्टार होते हैं इनका घनत्व बहुत अधिक होता है। और जब इन न्यूट्रॉन स्टार्स में से न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं, न्यूट्रॉन्स निकलने लगते हैं, मतलब आते हैं जाते हैं आते जाते हैं, तो यह जो स्टार है वह चमकने लगता है, चमकता बुझता है। तो इस प्रकार के स्टार को हम क्या कहते हैं, पल्सर कहते हैं, या इन्हीं को हम कहते हैं पल्जेटिंग स्टार, अर्थात स्पंदित तारे। मतलब इसमें से न्यूट्रॉन आ रहे हैं जा रहे हैं, तो इसमें जल्वुज होता रहता है, ठीक, इन्हीं को हम पल्जेटिंग स्टार कहते हैं। ब्लैक होल की बात करें तो इनका जो ब्लैक होल, यहाँ समझ लेते हैं, जो ब्लैक होल है, ब्लैक होल ये क्या होता है, इनका जो डेंसिटी होती है वह क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। मतलब ये इनकी जो डेंसिटी होती है अनंत होती है, और यह इनका डेंसिटी इतनी अधिक होती है कि इसमें से प्रकाश भी नहीं गुजर पाता है। क्या होता है, प्रकाश भी नहीं गुजरता, इसलिए हमें दिखाई नहीं देते, अर्थात नॉट विजिबल होते हैं। तो अब आप सोचेंगे कि तो पता कैसे चलता ब्लैक होल है जब यह दिखाई नहीं देते, तो पता ऐसे चलता है जब साइंटिस्ट देखते हैं अंतरिक्ष में एक, अब चूंकि ब्लैक होल तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ब्लैक होल के चारों ओर एक निश्चित पथ पर कुछ खगोलीय पिंड इसका परिक्रमा कर रहे होते हैं। तो जब साइंटिस्ट टेलीस्कोप से उसको देखते हैं तो उन्हें ये लगता है कि चारों ओर खाली तो होगा नहीं, कोई बीच में एक ऐसी कोई द्रव्यमान वाली वस्तु होगी, तभी तो उसके चारों ओर कोई खगोलीय पिंड चक्कर लगा रहा है। तो तब ऐसा माना जाता है कि इस जो बीच में जो वस्तु नहीं, या जो खगोलीय पिंड नहीं दिखाई दे रहा है, यह क्या है, ब्लैक होल है, और इसके चारों ओर खगोलीय पिंड चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन यह दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि यह बहुत अधिक डेंस्ड है, अर्थात घनत्व इसमें का बहुत अधिक है और प्रकाश भी नहीं गुजरता। अब जब यह दिखाई नहीं दे रहा है और इसके चारों तरफ जो खगोलीय पिंड घूम रहे हैं, इस जो सीमा को हम क्या कहते हैं, इस सीमा को हम कहते हैं इवेंट, यानी या इस घटना को हम कहते हैं इवेंट होराइजन, इसको हम कहते हैं इवेंट होराइजन। ठीक, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो तारे का जीवन चक्र है वह क्या है। एक बार फिर से समझते हैं कि जिस नेबुला का द्रव्यमान 1.4 इंटू मास ऑफ सन से कम होगा, वही पहले क्या बनेगा, एक नॉर्मल स्टार बनेगा। जब यह नॉर्मल स्टार धीरे धीरे, इसमें ईंधन की कमी हो गई, जिसे हम नोवा प्रोसेस कहते हैं, ईंधन की कमी होगी, ग्रेविटेशन फोर्स अधिक हो जाएगा, संलयन बल कम हो जाएगा, तो क्या होगा, केंद्र सुकड़ेगा और जो एनर्जी बाहर निकली हुई है वह और बाहर अधिक चली जाएगी, जो कि बाद में ब्रह्मांड में स्पेस डस्ट के रूप में बिखर जाएगी, और यह लाखों करोड़ों वर्षों के बाद एक छोटा पावन
या सफ़ेद वामन तारा बन जाएगा और बाद में यह काला वामन बन जाएगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। देन दूसरी तरफ जब चंद्रशेखर सीमा से किसी नेबुला का द्रव्यमान अधिक हो तो वह पहले मैसिव स्टार बनता है, फिर देन उसका सुपरनोवा होता है, तब एक उसमें बहुत बड़ा विस्फोट होता है और या तो वह न्यूट्रॉन स्टार बनता है या वह ब्लैक होल बनता है। न्यूट्रॉन स्टार बहुत ही हाईली डेंस होते हैं, अत्यधिक घनत्व वाले होते हैं। जब इनमें से न्यूट्रॉन्स रिलीज होने लगते हैं अर्थात न्यूट्रॉन आते हैं जाते हैं तो क्या हो जाता है इसमें, तो यह क्या होता है पल्सर कहलाते हैं। पल्सर या इन्हें हम पल्जेटिंग स्टार कहते हैं। पल्जेटिंग स्टार अर्थात स्पंदित तारे जो जलते बुझते रहते हैं। देन ब्लैक होल, ब्लैक होल बहुत ही अधिक डेंस होते हैं और इसमें प्रकाश भी नहीं आता, इसलिए यह दिखाई नहीं देते, इसलिए यह नॉट विजिबल होते हैं। और इनके चारों तरफ जो खगोलीय पिंड घूमते हैं इस घटना को हम क्या कहते हैं इवेंट होराइजन, या इसे हम क्षितिज घटना भी कहते हैं, इसी का अंधी नाम है क्षितिज घटना। आई होप आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे ग्रहों की प्रॉपर्टीज़। ग्रहों की प्रॉपर्टी मतलब जो ग्रह हैं उनके अंदर जो स्पेशल चीज़ है उसकी बात करेंगे हम। ग्रहों जैसे पहले हम बुध ग्रह पढ़ेंगे, फिर शुक्र ग्रह, पर अर्थ, उनके बारे में बात करेंगे कि इन ग्रहों में कौन कौन सी विशेषताएँ क्या क्या पाए जाते हैं, ठीक, उन सारी की बात करेंगे। चलिए आई होप आप लोगों को समझ में होगा, आगे आगे होगा। मिलते हैं अपने अगले रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।